स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। और हमें बहुत खुशी है कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 20 क्लासेस में यूपी ट्रिपल एससी के या जो यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका कोर्स कवर करने का निश्चय किया है। और हमारी 3 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, 3rd क्लास के कुछ पार्ट्स जो हैं अभी अपलोड होने बाकी हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको मिल जाएंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं आज कंप्यूटर में, वो हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो वेरी करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में। तो जैसे कि अभी युवा विकास कल्याण अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस आए थे नंबर सिस्टम से, कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ये वाले जो नंबर सिस्टम होते हैं। इसके अलावा पीसीएस के पेपर में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स में भी आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ईजी होता है, इतना टफ़ नहीं होता समझना। एक कोई भी अगर एक टाइप हम समझ गए हैं, उसके सही सारे प्रक्रियाओं को हम समझ गए हैं, सारे प्रोसेस को हम समझ गए हैं, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं चलिए कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही कूलली देखना है, बहुत इजीली हो जाएगा, इसलिए कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, जैसे कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी है, वो होती है बिट। ठीक है, बिट को बोलते हैं। इसके अलावा इक्वेशन, बिट का मतलब क्या है, बिट केवल 2 ही होती हैं, मतलब या तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से और 1 से, या तो आप 0 से रिप्रेजेंट करते हो या 1 से। बिट वो नंबर्स हैं जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होते हैं, यानी कि कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट्स को समझता है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं समझता, वो क्या करता है, उसको एनकोड करता है किसमें, बाइनरी नंबर्स में। तो बिट क्या है, कौन कौन सी होती है, 0 या 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में होता है। इसके अलावा 4 बिट आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1 निबल की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 निबल इक्वल टू होता है 4 बिट के। आपसे एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आता है कि 8 बिट इक्वल टू या 1 बाइट इक्वल टू कितने के होता है। तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट के। तो हमने यहाँ 2 चीज़ें जानी कि एक तो सबसे छोटी जो यूनिट मतलब मेमोरी की जो यूनिट है वो होती है बिट, 4 बिट इक्विवेलेंट होता है 1 निबल के, और 8 बिट इक्विवेलेंट होता है 1 बाइट के। अब एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो ये कि जो 1 बाइट होता है, ठीक है, या 1 किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट किसके इक्विवेलेंट होता है। तो 1 किलोबाइट इक्वल होता है 2^10, और इसको अगर हम इसको सॉल्व करें तो आता है 1024 बाइट्स। तो 1 किलोबाइट आपको ऑप्शन में देगा कि किसके इक्विवेलेंट है, 1025, 1026, 1027। तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1024 बाइट्स, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। इसके अलावा जो एक हायरार्की है, जो एक प्रोसेस है कि सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, उससे बड़ी इकाई, तो वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे छोटी यूनिट अभी हमने बताई मेमोरी की क्या है, बिट। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी होती है, बाइट। बाइट के बाद आता है किलोबाइट, मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्जाबाइट, और भी इसके अलावा, एक्जाबाइट के अलावा होता है जेटाबाइट और यूटाबाइट। तो इस तरह से ये जो है, ये ऐसा सीक्वेंस है मेमोरी का या बिट्स का, जिसमें जो कंप्यूटर की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो लगातार इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे 1 किलोबाइट में आपका कम होगा, मेगाबाइट में ज़्यादा होगा उससे, किलोबाइट से, और गीगाबाइट में मेगाबाइट से ज़्यादा होगा। अब चूंकि आपको ये रिलेशन पता है कि 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स के, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 मेगाबाइट में या 1 गीगाबाइट में या 1 टेराबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि 1 केबी इक्वल टू होता है 2^10, तो हमेशा आप केबी से, या आपको पता है कि 2^10 है, तो जब भी आप इधर से इधर बढ़ते जाते हो सॉरी, तो ये प्लस 10 जो होता है ऐड होता जाता है, प्लस 10 किसमें, पावर में। मतलब 1 मेगाबाइट इक्वल टू होगा कितने बाइट्स के, अगर मेगाबाइट आपसे पूछा है
कितने किलोबाइट्स के इक्वल होगा, तो 1 मेगाबाइट इक्वल होगा 2 रेज टू द पावर 20, क्योंकि इसमें 10 तो ये ऑलरेडी है, इसमें बस 10 और ऐड हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 20 बाइट्स। अगर सपोज आपसे पूछता है 1 टेराबाइट इक्वल कितने किलोबाइट के है, तो 1 टेराबाइट कितने होगा, यहाँ पर प्लस 10 हो गया, यहाँ पर प्लस 10 हो गया, यहाँ पर प्लस 10 हो गया, तो टेराबाइट जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ आएगा ये 1 टेराबाइट इक्वल आएगा 2 रेज टू द पावर 40 बाइट्स के, 2 रेज टू द पावर 40 बाइट्स, क्योंकि मैंने बताया किलोबाइट जैसे ही आपने मेगाबाइट में आए प्लस 10, गीगाबाइट में फिर प्लस 10, टेराबाइट में फिर प्लस 10, ठीक है। तो पावर जो थी वो क्या थी, 2 रेज टू द पावर 10, इसमें आप क्या कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई, 1 1 2 3 4, 4 टाइम्स आप आगे इसको जंप कर रहे हो, ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 40 बाइट्स। तो ये तो थी कुछ छोटी बातें जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, आपसे कन्वर्जन में पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक्स कन्वर्जन की। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर सिस्टम मेनली प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से प्रचलित हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल का मतलब होता है 10, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं और उसका बेस जो होगा वो कितना होगा 10, क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो 0 से वह संख्या प्रणाली जिसमें 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है और जिसका आधार, जिस वजह से उसका आधार जो होता है वो क्या होता है 10 होता है, ठीक है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, कौन सी, 0 एंड 1, और इसमें जो इसका, इसलिए जो इसका आधार होता है वो कितना होता है 2, बेस इसका कितना हो गया 2। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से 7 तक संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है और उसमें जो बेस होता है वो कितना होगा, ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल मतलब 8, तो इसका जो आधार होता है वो कितना होता है 8। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल यानी कि वो नंबर सिस्टम या वो संख्या प्रणाली जिसमें 0 से 15 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है और जिसका आधार यानी जिसका बेस कितना होता है 16, उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा हेक्साडेसिमल में कि 0 से 9 तक तो डेसिमल नंबर्स का इसमें यूज़ होता है, लेकिन 9 के आगे जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो 16 नंबर हैं इसको हम असाइन करते हैं अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, यानी कि 10 को हम बोलते हैं ए, 11 को बोलते हैं बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो इसका मतलब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से 9 तक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है और ए से एफ तक अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा है, वो हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये हमने कुछ मेन बात करी कि कौन कौन से नंबर सिस्टम मेन हैं। अब जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते ऐसे हैं कि जैसे सपोज़ आपसे पूछ लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, मतलब डेसिमल कोई क्वेश्चन दे दिया आपको। सपोज़ हम सबसे पहले पहला कन्वर्जन देखते हैं, कोई डेसिमल नंबर है सपोज़ 12.5, ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। आपसे पूछेगा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बताइए, बाइनरी मतलब बेस क्या होगा, बेस होगा इसका 2। तो हम सबसे पहला वाला देख रहे हैं कि डेसिमल से बाइनरी, 12.5 क्वेश्चन में दे रखा है और आधार जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो क्या है, बेस 2। अब देखिए इसमें हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि दशमलव से पहले वाली जो संख्या है और दशमलव के बाद वाली जो संख्या है दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है, कैसे, इनका प्रोसेस अलग होता है। जैसे अगर हम दशमलव से पहले वाली संख्या की बात करें तो है 12, 12 को अगर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर सिस्टम में चेंज करना है उसका जो भी आधार है आप उस पर ध्यान देंगे।
अगर आधार उसका 2 है तो आप 2 से भाग दे देंगे, अगर आधार उसका 8 है यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में पूछ रहा है तो आप 8 से भाग दे देंगे, और यदि आधार उसका 16 है यानी कि हेक्साडेसिमल में पूछ रहा है तो आप उसको 16 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आप क्या, आपसे क्या पूछ रहा है, डेसिमल से बाइनरी, तो आप इसको 2 से भाग देंगे, 2 6 12, यहाँ शेष बचा 0, 2 3 6, यहाँ शेष बचा 0, 2 1 2, यहाँ शेष बचा 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं 0.5 वाले नंबर की, यानी कि जो दशमलव के बाद वाला नंबर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो दशमलव के बाद वाला नंबर है उसमें हम उसी बेस से, उसी आधार से क्या कर देते हैं, 2 की गुणा कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 5 × 10, 1.0। अब उसके बाद, इसके बाद क्या हम करते हैं कि जो दशमलव के बाद वाला नंबर है यानी कि क्या है, 0 की ही हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किसमें, 2 में, तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। मतलब जो भी दशमलव के बाद वाली जो संख्या आती है उसी में हम क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, हम पूरी संख्या में नहीं करते, इतना याद रखिएगा। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, हमारा कन्वर्जन हो चुका है, इसको सिंपली लिखते ऐसे हैं कि जो दशमलव से पहले वाली संख्या है उसको हम हमेशा नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, यानी कि इसको पढ़ेंगे 1100, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसको हम हमेशा ऊपर से पढ़ते हैं, यानी कि इसको पढ़ेंगे 10, इसको नीचे से नहीं पढ़ेंगे, इसको ऊपर से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब, इसका अगर 12.5 डेसिमल जो नंबर है इसका अगर बाइनरी कन्वर्जन देखें तो क्या होगा, 1100.5 का डेसिमल कन्वर्जन क्या है, ऊपर से पढ़ेंगे तो हो जाएगा 10। ये हुआ 12.5 डेसिमल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन, ये आपका क्या है, आंसर। अब यहीं पर हम देख लेते हैं, बस एक आप अच्छे से समझिए, दूसरा तीसरा जितने भी कन्वर्जन हैं डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, वो ऐसे ही होते हैं, बस उसमें जो भाग देने वाली संख्या है और जो गुणा करने वाली संख्या है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए अगर हम इसी नंबर सिस्टम को यहीं पर, हम हमारा क्या है 12.5 का है, अब हम इसको रीचेक भी कर लेते हैं और हम ये भी देख लेते हैं कि बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए, यानी कि सपोज़ यही नंबर ले लिया हमने 1100.10, ये बाइनरी नंबर है, आपसे पूछता है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी कि इस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि दशमलव से पहले वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं हम उसको 0, दशमलव के जस्ट बराबर वाली जो संख्या उसको 0 असाइन करते हैं, उसके बाद 1 असाइन करते हैं, फिर 2, फिर 3। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम -1 असाइन करते हैं और -2। जितनी भी संख्याएं हैं आप -1 से स्टार्ट करेंगे और दशमलव से पहले वाली जितनी भी संख्याएं हैं आप 0, 1, 2, 3 ऐसे असाइन करेंगे। सपोज़ कोई नंबर और होता 1110.00, 1100, तो इसको आप कैसे देते, दशमलव से पहले वाली 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और इधर देते हैं -1, -2, -3, -4, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। अब देखिए आप इसको कैसे करते हैं, आपने असाइन कर दी वैल्यूज़, अब आप पहला नंबर ले लीजिए, कौन सा है 1 × बेस क्या है आपका 2, तो 2 और इसकी पावर क्या चढ़ेगी, जो आपने नंबर लिखा उसको जो वैल्यू असाइन किया था यानी कि 2 की पावर 3, प्लस दूसरा नंबर 1 × दूसरा जो बेस है 2 की पावर 2, प्लस 0 × 2 की पावर 1, प्लस 0 × 2 की पावर 0, प्लस अब इसको ले लेते हैं 1 × 2 की पावर -1, प्लस 0 × 2 की पावर क्या है -2, 0 को हमने क्या कर रखी, दे रखी है -2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो 0 से 2 की मल्टीप्लाई, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, ये और ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0.5। तो आंसर कितना आ गया आपका 12.5, ठीक है।
यही था हमारा डेसिमल में इससे पहले जो हमने कन्वर्ट किया था, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी भी हमने देख लिया, और बाइनरी से अगर डेसिमल में आ जाता है तो हमने देख लिया कि ये आंसर भी सही आया, वेरिफिकेशन भी हो गया, और हमने डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन भी देख लिया। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 12.5। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कन्वर्जन की तरफ जो है डेसिमल से ऑक्टल। सिंपल है, अब सारे ही कन्वर्जन अगर पहला समझ में आ गया है तो चाहे वो डेसिमल से ऑक्टल पूछे या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल पूछे, वो सभी एक ही तरीके से होंगे। यानी डेसिमल से ऑक्टल पूछ रहा है, आप फिर से कोई नंबर ले लीजिए, सपोज आपने लिया 12.5, वही सेम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 12.5 ये क्या है, डेसिमल नंबर, इसको आपको किस में करना है, ऑक्टल में, यानी कि बेस कितना होगा 8। सिंपल क्या करोगे आप, जो भी बेस दे रखा है उससे जो दशमलव से पहले वाली संख्या उसको भाग दे दो, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 1/4। इसको कैसे रीड करेंगे, 1/4। अब हम 0.5 का देख लेते हैं, 0.5 इंटू 8, ठीक है, 8 × 5 = 40। उसके बाद हम, मैंने बताया था कि हमेशा पॉइंट के बाद वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जीरो की किससे करेंगे, 8 से, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/4। इसको जो रीड करेंगे कैसे करेंगे, नीचे से 1/4, और इसको कैसे करेंगे, ऊपर से, यानी 4/0। तो 14.40 ये क्या हुआ आपका, ऑक्टल, ठीक है। यानी कि इस डेसिमल नंबर का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, 14.40, ठीक है। अब यहीं पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जैसे हमने यहाँ देखा था डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं डेसिमल से ऑक्टल है, आप ऑक्टल से डेसिमल देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑक्टल नंबर, सपोज ये है, यही ऑक्टल नंबर है 14.40, ठीक है, ये ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल से आपको क्या बनाना है, डेसिमल। दो कन्वर्जन हमने यहाँ सीखे, अब हम दो तीसरा कन्वर्जन हमने अब मतलब दो और कन्वर्जन हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो ये है ऑक्टल से डेसिमल, कैसे करा था आपने उधर, आपने क्या करा था कि जो भी दशमलव से पहले वाली संख्या उसको 0, 1, और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को -1, -2 ये साइन करना शुरू किया था, और जो भी बेस है उससे मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1 × 8 की पावर क्या आएगी, 1 प्लस फिर आएगा 4 × 8 की पावर क्या आएगी, 4 को क्या साइन करा, 0 प्लस, ठीक है, अब आएगा 4 × 8 की पावर क्या आएगी, -1 प्लस 0 × 8 की पावर क्या चढ़ेगी, -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस ये हो जाएगा, 8 की पावर 0 1 होता है, 4 प्लस ये हो जाएगा 4/8 और ये 0 हो जाएगा, ये कितना हुआ, 8 × 4 = 12.5 आ गया आपका। यही था हमारा, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारा क्वेश्चन था जब हमने डेसिमल से ऑक्टल बदला था, यहाँ हमारे हो गए 4 कन्वर्जन कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे कन्वर्जन की, जो कि है डेसिमल से हेक्साडेसिमल। इसमें भी वही है, सपोज आपको कोई नंबर दे रखा है 934.75, यह आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपको किस में करना है, हेक्साडेसिमल में, यानी हेक्साडेसिमल मतलब जो इसकी इसका बेस है वो कितना होगा, 16। अब आप देखिए सिंपल वही करेंगे, 934 है, 934.75 यानी दशमलव से पहले का जो भी नंबर है आप इसको क्या करोगे, 16 से भाग दे दो, जैसे हमने सब में करते आए हैं, 16 से आप भाग दोगे तो इसका वो कितनी बार में जाएगा, 16 × 96 होता है, 16 × 5 = 80 होता है, तो यहाँ पर आपका 13 बचेगा, 134 आ गया। उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा, 16 × 128, ठीक है, और हाँ तो ये जाएगा आपका 8 times, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 × 8 = 128, 134 में से 128 आप माइनस करोगे इतना आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भाग दो,
थ्री टाइम्स जाएगा, ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या बचेगा, 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 934 को जब हमने 16 से भाग दिया। अब हम बात करते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या का, यानी 0.75 का। इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 16 से, जो बेस है। क्या क्या आएगा, 120। अब देखिए इसको आप लिखोगे कैसे, आप इसको, ये तो आप जीरो है दशमलव के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई करने से भी 16 से कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, पढ़ोगे कैसे, अब ये देखो नीचे से स्टार्ट करा हमने, तो ये वैल्यू है 3, अभी लिखना मत, 3, 10 और 6। लेकिन हमने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर में 10 को 10 नहीं लिखते, 10 को क्या लिखते हैं, ए। ए को जो वैल्यू असाइन होती है वो होती है 10। 11 को बोलते हैं बी हेक्साडेसिमल में। तो इसका मतलब इसको आप जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3A6 क्या आएगा, ऊपर से इसको पढ़ो, 1, 2, यानी कि 12 है ये। 12 को हम क्या लिखेंगे, 12 क्या होता है, ए, 10 जो होता है वो ए होता है, 11 जो होता है वो बी होता है, और 12 जो होता है वो क्या होता है, सी। तो 3A6C ये इसका क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर। समझ में आया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 10 को, और अगर ऐसी मतलब 9 से बड़ी वैल्यू कोई भी आती है, 10 है, 11 है, 12 है, तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो भी उसको अल्फाबेटिकल वैल्यू असाइन हुई है आप वो उसको नंबर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब हम बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल, इसका उल्टा, ठीक है। अभी तक हम 5 कन्वर्जन सीख चुके हैं, ये लास्ट 6th कन्वर्जन है, ये हम सीख रहे हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल। सपोज आपको कोई नंबर दे रखा है हेक्साडेसिमल में, आपको क्वेश्चन हेक्साडेसिमल में ऐसी देगा AD9.8, ठीक है, ये आपको कोई नंबर दे रखा है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि अगर ए या बी या सी इस टाइप से नंबर अगर आ गए तो ऑब्वियसली बात है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही है जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो वैल्यूज़ है वो असाइन की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल आपको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, सेम वैसे ही, यहाँ हो जाएगा 0, इसको 1, इसको 2, इसको -1 दशमलव के बाद। तो आपका इसको क्या बोलोगे आप, 9×16 प्लस डी, डी कितना होता है, A10, B11, C12 और D13। तो यहाँ जाएगा 13×16 कितना आएगा, D को कितने असाइन करा है, 1, ठीक है, प्लस A, A कितना होता है 10, 10×16 प्लस पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को भी आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 8×16-1, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये तो 9 ही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 9 ही हो जाएगा, ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2560, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 0.5, ठीक। तो इसको सॉल्व करके आएगा 2777.5, यानी हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसको आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो इसी तरह से तो आपने देखा कि आपने यहाँ पर 6 कन्वर्जन देखे और सभी का जो प्रोसेस था वो एक ही था। तो यदि आप ध्यान से इसको, एक ही प्रोसेस को अगर समझ जाते हैं तो और जो कन्वर्जन है वो उसी तरीके से होंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और इसके अलावा हम दूसरी क्लास में इसके 2-3 कन्वर्जन और बचे हैं, हम उसको देखेंगे।